दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सपना अपने साथ दो अर्थ लाता है। या तो सपने का मतलब शुभ होता है या अशुभ होता है। और आज हम बात करने वाले हैं, सपने में यदि शिवलिंग दिखाई देता है तो ऐसे सपने का अर्थ क्या होता है, कब आपको शुभ परिणाम मिलते हैं, कब अशुभ। तो दोस्तों, सपने में यदि शिवलिंग नजर आ जाता है तो ऐसे में आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और तरक्की या सफलता आने के यह योग बनाता है। भाग्य उदय होता है जिससे कि आपको कार्यों में सफलता मिलती है, रुके हुए काम आपके बनने लगते हैं और आगे आने वाले भविष्य में आपको अपने कार्यों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। कार्य में गति आती है, गतिशीलता के कारण आपके जो अभी तक आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका परिणाम आपको नहीं मिल पा रहा है, तो ये समस्याएं चली जाएंगी, भाग्य आपका साथ देने लगेगा। और ये दोस्तों हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, ये बहुत ही शुभ स्वप्न है, दुर्लभ स्वप्न होता है सपने में शिवलिंग दिखाई देना। तो इसे बहुत ही सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। और एक बात और है, सपने में यदि बार बार शिवलिंग आता है तो आपको ऐसे में भगवान भोलेनाथ की भक्ति पूरी श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा आप पर मिलती है, सुरक्षा चक्र आपके ऊपर रहता है उनका, और आपका कुछ भी अमंगल नहीं होता और जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होता चला जाता है। और खासकर शिव भक्तों को ऐसा शिवलिंग देखने के सपने से बहुत ज़्यादा फायदा या लाभ मिलता है। कुल मिलाकर आपके बुरे दिन और परेशानियाँ, कष्ट और जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आएगी। तो सपने में शिवलिंग देखना बहुत ही शुभ होता है। काला शिवलिंग हो या सफ़ेद शिवलिंग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग मतलब होता है, लेकिन ऐसे में आपको समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, सपने में शिवलिंग के जिस रात को आपको दर्शन होते हैं, अगले दिन शिव मंदिर जरूर जाएं। और कोई भी आपकी अधूरी इच्छा या मनोकामना है तो उसके ही पूर्ण होने की कामना अवश्य भगवान भोलेनाथ से करें। और हो सके तो शिवलिंग के ऊपर आप जल चढ़ाएं या बेलपत्र चढ़ाएं या धतूरा चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा बहुत जल्दी मिलती है। तो अपने इष्ट पर विश्वास रखें, अपने खुद पर विश्वास रखें, सपनों की ज़्यादा चिंता मत करें। बस आप यदि नकारात्मक कार्य कर रहे हैं तो उन्हें छोड़ दीजिए, बाकी सब कुछ मंगल होगा यदि आप सच्चे मन से अपने कर्म करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। धन्यवाद।